नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुल बुल। दोस्तों आज का वीडियो में हम जानेंगे ट्रांसफार्मर का एक्सप्लोजन वेंट और पीआरबी कैसे काम करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर का एक्सप्लोजन वेंट है और ट्रांसफार्मर का एक्सप्लोजन वेंट के साथ एक प्रेशर रिलीज वाल्व लगाया गया है। तो प्रेशर रिलीज वाल्व कैसे काम करता है, फिर ट्रांसफार्मर का एक्सप्लोजन वेंट वो कैसे काम करता है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले ट्रांसफार्मर का और क्या क्या प्रोटेक्शन है आप थोड़ा देख लीजिए। जैसा कि आप देख रहे थे एमओजी और ये आ गया आपका बकल्स रिले, ये दोनों फिजिकल प्रोटेक्शन है और उसके साथ साथ प्रेशर रिलीज वाल्व भी और एक फिजिकल प्रोटेक्शन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं एक्सप्लोजन वेंट का फंक्शन क्या है। एक्सप्लोजन वेंट क्यों लगाया जाता है? एक्सप्लोजन वेंट इसलिए लगाया जाता है ताकि ट्रांसफार्मर का अंदर अगर कोई एक्सप्लोजन हो यानी कोई इंटरनल फॉल्ट आ जाए तो क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उसी प्रेशर को रिलीज करने के लिए हम लोग एक्सप्लोजन वेंट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आपने ऐसा बहुत सारे ट्रांसफार्मर देखे होंगे जहाँ पे प्रेशर रिलीज वाल्व मौजूद नहीं रहता है, तो फिर वो ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है? उसका एक्सप्लोजन वेंट तो रहता है लेकिन प्रेशर रिलीज वाल्व नहीं रहता है। ये देखिए दोस्तों, ये एक एक्सप्लोजन वेंट है विदाउट पीआरबी। एक्सप्लोजन वेंट का काम होता है दोस्तों, जब भी ट्रांसफार्मर में कोई इंटरनल फॉल्ट आ जाए, एक्सप्लोजन हो जाए, तो एक्सेस प्रेशर को यहाँ से रिलीज हो जाता है। इसलिए हमेशा इसको सील करके रखते हैं। सील कैसे किया जाता है दोस्तों? एक डायफ्राम के जरिए से। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका अंदर एक आपको ग्लास नज़र आ रहा है, पतला वाला ग्लास नज़र आ रहा है। जब भी अंदर एक्सप्लोजन होगा तो एक्सप्लोजन की वजह से, प्रेशर की वजह से ये ग्लास टूट जाएगा और फिर यहाँ से वो एक्सेस प्रेशर रिलीज हो जाएगा। तो अगर ये ग्लास नहीं रहेगा तो क्या होगा दोस्तों? अगर ये पूरा ओपन रहेगा तो एटमॉस्फेयर एयर ऑयल के साथ मिल जाएगा। ये एक्सप्लोजन वेंट के थ्रू ट्रांसफार्मर ऑयल के साथ मिल जाएगा। ट्रांसफार्मर ऑयल उसका काम होता है इंसुलेशन एंड कूलिंग। तो अगर ट्रांसफार्मर ऑयल में मॉइस्चर मिल जाए तो ट्रांसफार्मर का ऑयल कॉन्टेमिनेट हो जाएगा, उसका बीडी वैल्यू खराब हो जाएगा, लो आ जाएगा। इसीलिए दोस्तों ये हमेशा इसको सील करके रखा जाता है ताकि जब भी एक्सप्लोजन हो तब भी प्रेशर की वजह से ये टूट जाए। और फिर ये कैसे काम करता है दोस्तों? जहाँ पे ये प्रेशर रिलीज वाल्व लगे होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रेशर रिलीज वाल्व कितना प्रेशर से ये ऑपरेट होगा ये लिखा गया है। जब भी हाई प्रेशर आएगा तो ये प्रेशर रिलीज वाल्व रिलीज होगा और वहाँ पर एक लिमिट स्विच लगाया गया है और ये लिमिट स्विच भी उस समय ऑपरेट हो जाएगा। और ये लिमिट स्विच जब ऑपरेट होगा तो ये एक ट्रिप कमांड भेजेगा हमारा ट्रांसफार्मर इनकमर ब्रेकर को, और फिर ये ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाएगा और हमको पहले से पता चल जाएगा कि पीआरबी की वजह से ये ट्रिप हुआ है, प्रेशर रिलीज वाल्व ऑपरेट हुआ है, उसीलिए ये ट्रिप हुआ है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आपने हमारा चैनल को फर्स्ट टाइम के लिए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे जितना सारा मैं वीडियो लाऊं वो वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। दोस्तों ये जो चैनल है इलेक्ट्रिकल चैनल है, इसी चैनल के ऊपर आपको ट्रांसफार्मर, मोटर, क्रेन, पीएलसी, बीएफडी के ऊपर आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे और पूरा ट्रबल शूटिंग वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल वीडियो में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों समझते हैं ट्रांसफार्मर का ये जो एक्सप्लोजन वेंट का कैसे इंस्पेक्शन करना है। दोस्तों आप जब भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं उस समय ट्रांसफार्मर का ये एक्सप्लोजन वेंट को जरूर देखें, उसको इंस्पेक्शन करें, उसका अंदर जो डायफ्राम है वो टूटा है या सही सलामत है उसको भी आप चेक करें। अगर ट्रांसफार्मर फॉल्ट की वजह से ये डायफ्राम टूट गया है तो ट्रांसफार्मर को आप रिपेयर करें। अगर ये डायफ्राम सही है लेकिन उसके अंदर आपको ऑयल नज़र आ रहे हैं यानी अंदर से कोई प्रेशर क्रिएट होगा उसकी वजह से ये ऑयल लेवल हाई होकर यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो आप उसी फॉल्ट को ट्रेस करें, फॉल्ट का रीजन का पता लगाएं। जब भी आप ट्रांसफार्मर का फिजिकल इंस्पेक्शन कर रहे हैं, फिजिकल इंस्पेक्शन में आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों? फिजिकल इंस्पेक्शन में आप लोग सिलिका जेल, ऑयल लेवल, OTI, WTI उसको आप फिजिकल इंस्पेक्शन के द्वारा देख सकते हैं और साथ ही साथ ये जो एक्सप्लोजन वेंट है इसको भी आप चेक कर सकते हैं। उसी समय आप देख सकते हैं इसका डायफ्राम सही है कि नहीं। चलिए दोस्तों पीआरबी के बारे में थोड़ा समझते हैं, पीआरबी कैसे काम करता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि ट्रांसफार्मर के अंदर अगर कोई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आएगा तो उसके वजह से हमारा जो ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर रहते हैं उसका मेटल टैंक रहता है वो एक हाई अमाउंट का गैस जनरेट करेगा, तो उसी गैस की वजह से एक इंटरनल प्रेशर क्रिएट होगा और ये इंटरनल प्रेशर को अगर हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो ये ट्रांसफार्मर टैंक को भी डैमेज कर सकता है। तो उसकी वजह से दोस्तों ये एक्सप्लोजन वेंट लगाया जाता है। एक्सप्लोजन वेंट के थ्रू वो अंदर का प्रेशर
बाहर निकल आता है और उस समय हमारा ये जो पीआरबी वाल्व वो वाल्व ऑपरेट होता है और उसके साथ साथ ये जो लिमिट स्विच आपको देख रहा है ये लिमिट स्विच ऑपरेट होता है। ये लिमिट स्विच तो आपने बहुत जगह पे देखा होगा दोस्तों, खाली लिमिट स्विच ऑपरेट होने से नहीं होगा, लिमिट स्विच भी कनेक्टेड रहना चाहिए रिले के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एक केबल के थ्रू कनेक्ट किया गया है, यानी ये लिमिट स्विच जब भी ऑपरेट होगा उसका NO कॉन्टैक्ट NC में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये केबल के थ्रू रिले को फीडबैक भेजेगा कि ये PRB ऑपरेट हो गया है। तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं ये PRB को हमको कैसे चेक करना है, कैसे हम इसको चेक करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर में एक मार्शलिंग बॉक्स रहता है, उसी मार्शलिंग बॉक्स में आपका जितना सारा फिजिकल प्रोटेक्शन है सब केबल उसी मार्शलिंग बॉक्स में आए होंगे। ये देखिए दोस्तों, ये PRB का केबल भी उसी मार्शलिंग बॉक्स में आया है और मार्शलिंग बॉक्स में और क्या क्या सब मौजूद रहता है, जैसा कि OTI, WTI, MOG और बॉकल्स रिले और साथ साथ ये PRB का सारे केबल इसी मार्शलिंग बॉक्स में आए हैं। फिर ये मार्शलिंग बॉक्स से जितना सारा फीडबैक, ये सारे फीडबैक हमारा जाएंगे ट्रांसफार्मर का इनकमर ब्रेकर की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए टर्मिनल ब्लॉक में बहुत सारे केबल वायरिंग हुआ है, उनमें से दो वायर है हमारा PRB का। तो आपको पहले से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा दो वायर PRB का है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख दिया है कि कौन सा वाला वायर PRB के लिए है। जैसा कि देख रहे हैं मार्शलिंग बॉक्स का TB नंबर 18 एंड 19 में हम लोग कनेक्ट किए हैं PRB को। तो यहाँ से आप मल्टीमीटर लेके चेक कर सकते हैं, फिजिकली उसी लिमिट स्विच को आप ऑपरेट करेंगे और यहाँ पे आप चेक करेंगे। जब भी आप ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस कर रहे हैं उस समय PRB को आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी कुछ पसंद आया होगा। तो देखते रहिए बोल बुलबुल।